क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं और आपके पास कोई भी मीठा घर पे नहीं होता? तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लाई हूँ। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिल्क पाउडर से बर्फी। बनती इतनी जल्दी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से। आई एम श्योर जब ये आप बर्फी बनाएंगे तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि ये बर्फी कैसे बनाई है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका। राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। मिल्क पाउडर की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिए है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से आप मिल्क पाउडर नाप रहे हैं उसी कटोरी से हम बाकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है? मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है। कोशिश करिएगा अच्छी क्वालिटी का ही मिल्क पाउडर लीजिएगा, ठीक है? गैस का फ्लेम मेरा इस टाइम बिल्कुल स्लो है, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी दूध। दूध जो लेना है हमें फुल फैट लेना है, गाय या भैंस आप कोई भी ले सकते हो। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी भी मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ उसी कटोरी के नाप से, ठीक है? आपको ताकि पता चल जाए। अब इसकी जगह आप देसी खांड भी यूज कर सकते हो, जो लोग देसी खांड प्रेफर करते हैं। हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मेल्ट करना है जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। बनती बहुत जल्दी है, बस थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात है। गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, अदरवाइज मिल्क पाउडर हमारा जल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें घर की मलाई, जो हमारे नॉर्मल दूध में आती है, ये है 2 चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हमारी बर्फी बनेगी। और साथ ही मैं इसमें अभी डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी, जरूर डालिएगा। इससे एक तो चमक बहुत आएगी, मतलब ब्राइटनेस आएगी हमारी बर्फी में, दूसरा ये बाइंडिंग का काम करेगी। इसको लगातार हिलाते जाएंगे, जैसे ही चीनी डाल देंगे आप देखेंगे हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल ज्यादा लिक्विड ही हो गया है। तो डरिएगा मत, जैसे जैसे हिलाते जाएंगे ये इकट्ठा होता जाएगा, यानी कि टाइट होता जाएगा। लेकिन लगातार इसको हिलाना और साइडों से इस तरह से स्क्रैप करना, मतलब निकालते जाना है यहाँ से। अब इसको हिलाते हुए फ्रेंड्स मुझे 5 मिनट हो गए हैं, अभी भी ये बहुत ज्यादा लिक्विडी है। अगेन इसको हम 5 से 6 मिनट तक स्लो गैस पे पकाएंगे इस तरह से। जब लगे फ्रेंड्स हमारा मिक्सचर काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया, हम अगेन थोड़ा सा 1/2 टीस्पून देसी घी एंड में फिर डाल देंगे। अब इसको फिर 2 से 3 मिनट तक हम स्टर करेंगे। मेन पर्पस हमने कैसे देखना है कि हो गया, एक तो घी जो है साइडों से छोड़ने लग जाए हमारा बैटर, दूसरा इसकी बॉल बनने लग जाए, मतलब इसका टेक्सचर बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज बर्फी हमारी बनेगी नहीं, जमेगी नहीं। और दूसरा वो लाइफ शेल, यानी कि वो बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। अब इसको लगातार एंड में हिलाते रहेंगे। अब ये देखिए, इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद। अब आप देख रहे होंगे ऊपर हल्की सी शाइन आने लगी है देसी घी की। दैट मींस हमारा बैटर हो गया, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। अदरवाइज अगर हमने बहुत ज्यादा पकाया तो बर्फी हमारी बहुत ज्यादा च्यूई, यानी कि बहुत चिड़ी चिड़ी सी बनेगी, ठीक है? अब एंड में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर। अगेन इसको मिक्स करते हैं और जिस ट्रे में हमने इसको जमाना है उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये मैंने लिए एक ट्रे, आप कोई भी थाली भी ले सकते हो, उस पे मैं लगा रही हूँ ऑयलिंग, यानी कि देसी घी से, ताकि हम बर्फी जमाएं तो अच्छे से सेट हो जाए। रिफाइंड ऑयल मत लगाइएगा, अदरवाइज बर्फी अच्छे से सेट नहीं होगी। और उसी टाइम ही गर्मा गर्म ही हम इसको इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसको स्पैचुला या किसी भी करछी के साथ इसको सेट करेंगे इस तरह से स्मूथली। इसको स्प्रेड करके ऐसे हम अच्छे से इसको लेवल्ड कर देंगे जहां से ऊपर नीचे है, और ऊपर मनचाही कोई भी हम ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हो इस तरह से। ये मैं डाल रही हूँ बादाम, आप चाहें तो काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हो इस तरह से। अगेन इसको स्पैचुला से हम इसको चिपका देंगे, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह से इसको स्पैचुला से हम चिपका देंगे। अगर आप इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो कम से कम इसको 1 घंटा लगेगा सेट होने में, और अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। बर्फी हमारी सेट हो गई है, अब इसको काटते हैं, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से काट सकते हो। ये देखो बर्फी हमारी कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है। तो फाइनली रेडी होगी जी हमारी झटपट से बनने वाली मिल्क पाउडर की बर्फी। तो इस दिवाली ये बर्फी जरूर बनाइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।